बिस्मिल्लाह, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि मैं तमाम मामलात को जमा करूं, तमाम चीज़ें जिनके ऊपर हमने बात करनी है उसको जमा करने के बाद एक तवील आपको एक लेक्चर दूं। तवील से मुराद ये कि 2-3 मिनट आपसे बात करता रहूं और उसके बाद मेहमानों की तरफ जाएं, सवाल करें और मामला ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं उन दोनों अफराद को खराज तहसीन पेश करूँ कि जो आज मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं, कि जिन्होंने हमें काफ़ी अर्से पहले ही जो चीज़ें कही थी आज हम देख रहे हैं कि वैसी ही हो रही हैं। खाकान नजीब साहब की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि IMF के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आप IMF के अलावा कोई ऑप्शन समझते हैं A, B और C, तो फिलहाल तो ऐसा नहीं है कि A, B, C और ऑप्शन हो, लेकिन आप इस्लाहात की तरफ जाएं, IMF के साथ इंसान के बच्चे बनके, अच्छे बच्चे बनके, बल्कि इंसान के बच्चे थोड़ा सख्त लफ्ज़ है, अच्छे बच्चे बनके डीलिंग करें और डीलिंग के बाद अपनी कौम को कोई रिलीफ दें उस तमाम फ्रेमवर्क में रहते हुए कि जो आपने IMF के साथ तय किया था। IMF ने भी बिल्कुल वाज़ह कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो माजी में भी जिन मुश्किलात का शिकार रहा, IMF की सरबरा कहती हैं महंगाई का जो शिकार रहा वो माजी के अंदर जो वादा खिलाफियाँ थी उसी का नतीजा है। उसके ऊपर भी खाकान नजीब साहब से बात करेंगे। और दूसरा मेरे साथ है डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब। डॉक्टर साहब ने भी जो बात की थी वो भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि डॉक्टर साहब मईशत के अंदर ज़रात की बात सबसे पहले मैंने देखा कि डॉक्टर साहब ने करना शुरू की, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपने तरक्की के रास्ते की तरफ जाना है तो बंजर ज़मीनों को आबाद कीजिए, ज़रात की तरफ जाइए और बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है उस ख्वाब की तकमील कीजिए। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि 1960 के बाद पहली दफ़ा हमने सोचा है कि कोई ज़रई पॉलिसी होनी चाहिए और इससे पता नहीं ठीक ठाक अरब 50 अरब के करीब वो डॉलर कहते थे कि उसकी इन्वेस्टमेंट आएगी। बहरहाल पाकिस्तान अब उस तमाम सूरतेहाल की तरफ जा रहा है कि जो हमारे दोनों माहरीन मईशत ने दोनों पैनलिस्ट ने किसी न किसी मौके पर कहीं ना कहीं कही थी। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। खाकान साहब, डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त इसलिए मुझे दरकार है आबिद कयूम सुलेरी साहब कि ज़रात के ऊपर मैंने बात करनी है, लेकिन थोड़ा सा पहले IMF के ऊपर हम बात कर लें, क्योंकि ज़रात पे मैं ज़्यादा देर बात करना चाहता हूँ तो मैं खाकान साहब की तरफ जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से खाकान साहब से जो है अगर शुरू करें। खाकान साहब, अब आपको लगता है कि हम उस रोड मैप की तरफ जाने में संजीदा हो चुके हैं कि जो IMF हमें पहले से कह रहा था हम मानते नहीं थे, हम अच्छे बच्चे नहीं बन रहे थे, हम जो है वो रोना धोना लगा के बैठे थे कि टाफ़ी भी चाहिए और जो है वो आबाद भी मनवानी है और आपकी माननी भी नहीं है? तो फवाद, अगर आप देखें तो हुआ क्या है, पाकिस्तान का अगर 9th रिव्यू नहीं हुआ तो अब IMF ने आपको कहा कि अच्छा हम आपको एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेते हैं बेस्ड ऑन अ स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो 9 माह का होता है। ये एक स्पेशल फैसिलिटी है जो यूजली 12 माह की या 6 माह और 12 माह के दरमियान होती है। इसका फायदा ये होता है कि कंट्रीज जो इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में, जो पाकिस्तान है, 23 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं, कर नहीं सकते, एक ट्रांजिशन होने जा रही है 3 गवर्नमेंट्स की, उसको संभालना है इमीडिएटली, 4 अरब 4.25 अरब डॉलर के रिजर्व पे खड़े हैं। सो आपको एक उस एग्रीमेंट में ले गया, उसमें उन्होंने आपको वही 4 बातें कही हैं जो हमेशा होती रही हैं, बजट से इनहराफ ना करें जो आपने हमसे तय किया है, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पे रहें, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटर रखें और अगर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स सतही भी अगर कर सकते हैं तो उनको करें। अब आपको यही चीजें करनी है ताकि आप IMF का जो अम्ब्रेला है उसमें रहें। अब आप जरा फवाद देखेंगे मैं ये क्यों कहता था, द डे यू साइंड द SLA उसके 24 घंटे बाद आपके जो रिजर्व्स हैं, अगर IMF के पैसे मैं डाल दूं, यानी कि बोर्ड भी अगर हो जाए, तो वो लिटरली डबल हो गए हैं, 4.5 अरब और 8.5 अरब डॉलर। जरा फर्क देखिए, आपकी तीनों मार्केट्स ने डिफॉल्ट रिस्क के बगैर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। 35 सेंट पे ट्रेड हो रहा था आपका बॉन्ड, मैं अभी देख रहा हूँ 80 सेंट से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये 2024 का बॉन्ड है, ये मुझे इसलिए मालूम है कि जब 2014 में हमने लॉन्च किया था तो मैं टेबल पे मौजूद था और हम उनके साथ बैठ के ये एग्रीमेंट कर रहे थे और हम इसको इंटरनेशनल लॉन्च में लेके जा रहे थे। आप सिर्फ तीसरी मार्केट ये देखिए कि आपकी स्टॉक मार्केट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, फिर आप इवन FX मार्केट में देखिए तो आपको दोनों साइड की मूवमेंट दिखाई देगी। बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी हैपनिंग इन द मार्केट। सो आपकी मार्केट्स भी नॉर्मलाइज हो गई हैं, आपका डिफॉल्ट रिस्क खत्म हो गया है। मैं यही चाहता था कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क इलिमिनेट हो जाए, वो इलिमिनेट हो गया, रिजर्व्स बिल्डअप करना शुरू करेंगे। अब आप इम्पोर्ट खोलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब इम्पोर्ट खोलेंगे तो आपकी जो इस वक्त एक्सपोर्ट पे एक तरह की कदगन लगी हुई है वो क्या है कि आपके पास कॉटन नहीं है, आपके पास पार्ट्स नहीं है, आपके पास मशीनरी नहीं है, वो आना शुरू होगी, एक्सपोर्ट्स को तकवियत मिलेगी और सबसे बढ़ के जो तकवियत मिलेगी 4 अरब डॉलर आपका रेमिटेंसेस में
पिछले साल पाकिस्तान आया जरूर है पर ऑफिशियल चैनल से नहीं आया। जब आप 278 और 280 बाहर के रेट में 1% से भी नीचे चले जाएंगे, जो कि आप चले गए हैं, तो ये $4 अरब भी आपको थ्रू ऑफिशियल चैनल्स आना शुरू हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक एक बीच में अगर मैं एक 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 थोड़ा सा लुकमा दे दूं कि IMF की सरबरा कहती हैं कि जी पाकिस्तान में जो महंगाई हुई वो माजी के अंदर जो वादा खिलाफियां हुई उसका नतीजा है, ये बात कैसे रेलिवेंट बनेगी? So, ये बात इस तरह रेलेवेंट बनेगी कि दो तीन तरह की महंगाई है ना आपके मुल्क में आ रही। एक महंगाई तो है जो लोकल है, जो मैं समझता हूँ कि फ्लड्स का इम्पैक्ट आया, पर एक महंगाई है जो इंटरनेशनल आपके पास आ रही है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपके रुपए की कदर 200 रुपए होती फॉर एग्जाम्पल, और आपकी मईशत ठीक चल रही होती और आप पे इतना प्रेशर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का ना आया होता और आप इतना स्लाइड ना किए होते एक ही डायरेक्शन में, जो इंटरनेशनल महंगाई का असर है वो कम होता आप पे। एक इसको सोचिए, फिर आप इसको सोचिए कि जो सप्लाई साइड आपने कदगन लगाई इंपोर्ट्स पे और वो टूटी, तो एक महंगाई वहां से आई। लेट से कि आप IMF के एग्रीमेंट में रहते, ये एक फिगर नोट कर लें, सितंबर 2021 में $20 अरब के रिजर्व्स थे पाकिस्तान के पास, आज IMF जाने से पहले 4.4 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। जस्ट थिंक कि ये जो ब्लीडिंग हो रही थी आपकी, आपकी इंपोर्ट्स कदगन लगाने के बावजूद हो रही थी, वो इन्फ्लेशन को फर्दर फ्यूल कर रहे थे। फिर आई थिंक उनका इशारा, और मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, बट उनका इशारा ये भी है कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग आपने की है, आपकी मनी सप्लाई जो है ना वो इंक्रीज कर रही थी। ये जो स्टोरी सारी पाकिस्तान में क्रिएट हो रही है ना, ये भी करेक्ट नहीं है। जरा समझें, ये मॉनेटरी फिनोमेना है, इन्फ्लेशन सप्लाई साइड का है, वो मैंने पहले कह दिया, पर जो आपकी मॉनेटरी एक्सपेंशन पिछले 5 साल में हो रही थी, आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही थी, उसको रोकने के लिए उनका ख्याल है कि आपने डिलेड एक्शन लिया ऑन द पार्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक। बिल्कुल ठीक है, मॉनेटरी टाइटनिंग। खाकान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ इस्लाहात की तरफ। जाहिर है कि जो कुछ हो चुका उसके ऊपर तो बात हो रही है, आगे क्या करना है उसके ऊपर बात करेंगे। आबिद साहब, मैं थोड़ा सा चाहता था कि आपसे IMF प्रोग्राम के ऊपर भी कुछ तबसरा ले लूँ। खाकान साहब ने जिस तरीके से फरमाया कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो आपको भी यही उम्मीद है? इंडिकेटर्स यही समझाते हैं, यही बताते हैं कि अब चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और बेहतरी के लिए पाकिस्तान को कैसे खड़ा रहना पड़ेगा? होपफुली अगर आप देखें तो ये 9 माह के प्रोग्राम में तीन, ये अगले जो 4 हफ्ते हैं वो तो 4 से 6 हफ्ते मौजूदा हुकूमत के हैं, फिर आपके पास केयर टेकर सेटअप आता है और फिर आपके पास नई हुकूमत आती है इलेक्शन के बाद। तो जो मौजूदा हुकूमत है उसको फिलहाल पार्लियामेंट की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं, अगर कहीं पे कोई पॉलिसी चेंजेस लेके आना है, कोई गाइडलाइन चेंज करनी है, कोई चीज़ जिसके लिए कि पार्लियामेंट में हमायत की ज़रूरत है, तो उनको वो तमाम चीज़ें कर लेनी चाहिए, या आइडियली उनका होमवर्क ये बनता है। जो केयर टेकर सेटअप आएगा इंटरिम गवर्नमेंट, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन उन चीज़ों की उनके हिस्से में आएगी, और चूंकि उनको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लूज़ होने का डर नहीं है, तो कुछ मुश्किल फैसले जो है वो केयर टेकर हुकूमत ज़्यादा आसानी से कर सकेगी। और उसके बाद आपकी नई हुकूमत आती है इलेक्शन के बाद, इसके जुम्मे फौरी तौर पे अगला IMF का प्रोग्राम जो है वो निगोशिएट करना है, उसका फ्रेमवर्क तय करना है, उसके लिए कमिटमेंट्स जो है हुकूमत पाकिस्तान को किस किस तरह की करनी है, किस तरह के प्रायर एक्शन करने हैं, तो वो चीज़ें उनके हिस्से में आएंगी। तो आप देखें तो बड़ा क्लियर सेग्रीगेशन ऑफ जो वर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, वो आपको नजर आता है इन तीन हुकूमतों के दरमियान। और अगर तीनों अपने अपने हिस्से का काम कर दें तो यकीनन उसके बाद हम मार्च के बाद नए प्रोग्राम के लिए जो है ट्रांजिट कर रहे होंगे, जो कि 3 से 5 साल का होगा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम। और उसको अगर आप जो है इम्प्लीमेंट कर लेते हैं बगैर किसी हीलो इज्जत के, तो आप कह सकेंगे कि बहुत से जो ब्लैक होल थे इकॉनमी के उनको फिल कर दिया गया और फंडामेंटल जो थे इकॉनमी के वो दुरुस्त हो गए। डॉक्टर साहब, यानी कि हम कह सकते हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल जो थी वो अब कम हो गई है, जो गैर यकीनी के बादल थे वो छट चुके हैं, अब मतला साफ है? कुछ हद तक हम कह सकते हैं, और ये इसलिए भी छट गए कि इस वक्त इस पर एक क्रिटिकल ओनरशिप दिखाई दे रही है तमाम सियासी जमातों की, भले वो हुकूमती अलायंस का हिस्सा हो या ना हो। लेकिन आपने देखा पिछले हफ्ते में IMF की जो कंट्री रैप है यहाँ पे, उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकातें भी की और सब ने अक्रॉस बोर्ड IMF के प्रोग्राम की हमायत का यकीन दिलाया। तो वो जो पॉलिटिक्स होती है IMF पे अमूमी तौर पे, या जो हुकमरान जमात प्रेशर में होती है, या अपोजिशन जो है वो उसको
एक ट्रंप कार्ड के तौर पर यूज करती है आईएमएफ की तहत बनने वाली पॉलिसीज के खिलाफ, तो लग ये रहा है कि वो शायद नहीं होगा इस दफा, और अगर ये नहीं होता तो फिर काफी सारी जो यकीनी सूरत हाल है वो पैदा हो जाती है। चले शुक्र है किसी ने ऐलान नहीं किया कि अगर आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। डॉक्टर साहब मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैंने उसी मौजू की तरफ आना है, आप ही से शुरू करना है कि जहाँ इब्तदाई में मैंने कहा कि ज़रई पॉलिसी के हवाले से आप शायद उन चंद लोगों के अंदर से हैं कि जो हमेशा बात करते रहे, और आज हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट ज़रूर आ गया, अल्लाह ताला इसको एग्जीक्यूट भी करवाए। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद डॉक्टर आबिद क्यूम सुलहरी साहब से शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले भी बात करते रहे, इब्तदा में भी बात हुई, ज़रात की बात आप करते थे, मुझे याद है अच्छी तरीके से कि आपने कई दफ़ा कहा, बल्कि ये कि जब प्रोग्राम से पहले आपसे बातचीत हुई तो आपने इस पर जोर दिया कि इसके ऊपर ज़रूर बात की जाए कि पाकिस्तान कोई ज़रई पॉलिसी लेकर आए बंजर ज़मीनों को आबाद करने का, वो पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसे मामलात करे। तो अब जो ख्वाब आपने देखा था, जो आप जिसके ऊपर बात करते थे, वो कुछ आपको महसूस होता है कि उसका कोई डॉक्यूमेंट आ गया? देखिए, अगर जिस तरह के हालात से हम बच के निकले हैं, अगर पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका जैसे सोशो इकोनॉमिक उसमें एहतजाज नहीं हुए हालात पे, तो उसकी बुनियादी वजह जो थी वो पाकिस्तान का ज़रई मुल्क होना था। श्रीलंका में हालात ये आ गए थे कि डॉलर्स खत्म होने के बाद उनके लिए फूड इंपोर्ट करना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो एक नेट फूड इंपोर्टिंग कंट्री है। तो पाकिस्तान को अगर ज़रात ने मुश्किल हालात में बचाया, खा वो कोविड हो या इस तरह की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी जिससे हम गुजर के आए हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा इसकी अहमियत का अंदाजा कर लेना चाहिए, और हमें देखना है कि वो मिसमैच जो है वो कैसे खत्म हो सकता है, कि ज़रात वाला जो सेक्टर है, ज़रई शोबा, वो तकरीबन 40% अफरादी कुव्वत उस पर काम कर रही है और वो सिर्फ 20% जो है वो आमदनी का कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के मौके मौजूद हैं, और क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें माहौलियाती तगैर के, तो वहां पर आपको नजर आ रहा है कि जी इस वक्त हमें जो एग्रीकल्चर करनी है वो एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एक डिजिटलाइज एग्रीकल्चर, एक ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें कि आपकी सैटेलाइट नेविगेशन जो है और जो क्लाउड पे डाटा पड़ा है वो भी आपके पास हो, ड्रोन्स की मदद से जेर जमीन जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपको पता हो, और उन्हीं ड्रोन्स की मदद से आपको ये भी पता चल सके कि फसल की हालत कैसी है, उस पर किस तरह की पेस्टिसाइड या उस पर किस तरह की हर्बिसाइड जो है वो छिड़कनी है, और किसान जो है वो अपने फोन को कहीं भी बैठ के वो उसको ऑडियो वीडियो असिस्टेंस के जरिए वो मशवरे ले सके। तो ये सारी चीजें जो है ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाती है, डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो इसका जो है वो पोर्शन ये है ना कि आप बंजर जमीनों का आबाद करेंगे, नए वेंचर्स ढूंढेंगे, दूसरा जो आपने बताया कि डिजिटलाइजेशन होगी, इसका मतलब यह है कि हम ये भी कोशिश करेंगे कि बीज से लेके पैदावार की के अख्ताम तक पर एकड़ जो यील्ड है हमारी उसको भी बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया खासतौर पे मैंने न्यूजीलैंड का पिछले दिनों कोई एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वहां तो पाकिस्तान से 50-50, 100-100 गुना ज्यादा जो है वो पर एकड़ पैदावार हो रही है। तो उसी के लिए अब जो सिस्टम एक बना लिंक्स के नाम से, जो कि लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, लेकिन ये नाम से कहीं बढ़ के है कि जो आपके पास इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, और हमारे पास इसके मॉडल मौजूद हैं। अगर आप इसको इंडिया में देखें तो I2U2 जो है, कोई भी इसको गूगल करके देख सकता है, इंडिया, इजराइल, UAE और USA, तो ये चार मुल्क मिलके ये वाटर सेक्टर में और फूड सिक्योरिटी सेक्टर में फूड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिसपे कि इसराइल उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, UAE से इन्वेस्टमेंट आ रही है, USA से टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट दोनों आ रही है, और इंडिया जो है वो अपने आप को एक फूड बास्केट के तौर पे इस वक्त रियलाइन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में बहुत जरूरत थी कि गल्फ कंट्रीज से, आपके बाकी दोस्त ममालिक से एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए, खुसूसन हमारे बंजर रकबे को आबाद करने के लिए नई टेक्नोलॉजी हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सके एग्जिस्टिंग रकबे को में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या बंजर रकबे को आबाद करने के लिए। तो उसकी तरफ जो पहले स्टेप्स हैं वो होते हुए अब आपको नजर आ रहे हैं, जो पिछले दो हफ्तों में हमने देखा लिंक्स के नाम पे जो इनिशिएटिव शुरू किया गया, सऊदी अरब ने ऑलरेडी उसमें $500 मिलियन 500 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट उन्होंने उसमें अनाउंस कर दी है, और यकीनन ये सिलसिला जो जो आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान का जो ट्रस्ट डेफिसिट था पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान वो दो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो
आप देखेंगे किस तरह के बहुत से नए इनिशिएटिव आएंगे। सीपैक का जो अगला फेज है वो भी सारा एग्रीकल्चर पे ही है और लाइफ स्टॉक पे और ब्लू इकोनॉमी पे है। तो ये चीजें जो है ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सकती है और हमें इनको बनाना होगा, ताकि एक तरफ तो IMF के अंदर रहते हुए हम अपनी पॉलिसी करेक्शन कर लें और दूसरी तरफ अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर लें कि जो नए शोबे हैं यहाँ पे कि हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनको करने के लिए अपना हाउस इन ऑर्डर लें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मैं जरा खाकान नजीब साहब की तरफ भी आता हूँ। खाकान साहब, $50 अरब वज़ीर आज़म कहते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट मुतवक्का है ज़रई पॉलिसी के नतीजे में, और डॉक्टर साहब ने इस तरह बताया कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होना है 1, 2, 3, 4, 5। तो आप कितने ज़्यादा होपफुल हैं सारी चीज़ को देख के, अगर आप इसको किताबों की सूरत में देखें, किताबों से मेरी मुराद ये कि बैलेंस शीट के अंदर इसको कन्वर्ट होता हुआ देखें। तो देखिए, दो तीन चीज़ें इस वक्त आई हैं लो हैंगिंग फ्रूट इन्वेस्टमेंट पे क्या है उनके मुताबिक। एक तो आपने एक काउंसिल बनाई है जिससे आप चाहते हैं कि आप फास्ट ट्रैक कर सकें जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में FDI की शक्ल में आनी है। पाकिस्तान की FDI तकरीबन 1.5-2 अरब डॉलर पे चल रही है पिछले कई सालों से, इस साल शायद उससे भी कम हो जाएगी बिकॉज ओवरऑल जो ट्रेंड है पाकिस्तान की तरफ वो पॉजिटिव नहीं रहा। तो अब आपने एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है, आई थिंक एक जनरल कंसेंसस है कि इट हैज नॉट बीन एबल टू डू द जॉब, चाहे वो पाकिस्तान का डीरेगुलेशन हो, लिबरलाइजेशन हो, ये सब काम करना हो। तो अब आपने क्या किया, आपने उसको सर्कमवेंट किया। अब हम ये बहुत दफा चुके ये सर्कमवेंट की गेम कर चुके हैं। जब भी हम किसी अदारे को नहीं चला पाते तो हम उसको सर्कमवेंट करते हैं क्योंकि आर्टरीज क्लॉक्ड हैं। तो आपने एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई है, मेरे ख्याल है ये दो चीजें टारगेट कर रही है। एक ये टारगेट कर रही है CPEC 2। CPEC 2 से मेरा मतलब है कि जो वियतनाम इंडस्ट्री चली गई है, अब कोई इंडस्ट्री अगर चाइना में बाकी है तो वो पाकिस्तान आ जाए, तो वो एक एक्सपोर्टेबल सरप्लस पाकिस्तान में क्रिएट करे ताकि हम CPEC 1 का फायदा उठा सकें। दूसरा, मिडल ईस्ट में बहुत पैसे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दे आर वांटिंग टू कम टू पाकिस्तान बिकॉज उनकी फूड सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के जो मिलियंस ऑफ एकर्स जिनकी हम अब बात कर रहे हैं थ्रू ये जो हमारा इनिशिएटिव है वो शायद इससे इंश्योर होती है। सो ये दो लो हैंगिंग फ्रूट हैं। अब आपने एक और चीज भी की है, आपने एक PIP भी लीच किया, आपने एक पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट की जो फ्रेमवर्क है या पॉलिसी कह लें, PIP शायद पॉलिसी, वो भी आपने अनलीच की है। सो एक कोशिश ये है कि किसी तरह FDI को इनकरेज किया जाए। मैं एक चौथी चीज भी कह देता हूं जो आप कर रहे हैं, वो क्या है, वो आप कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट इन ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, और आना सबसे ज्यादा यही है जो मैं आखिरी बात आपको कर रहा हूं, ये भी बेशक आप नोट कर लीजिएगा, वो क्या चीजें हैं, LNG पावर प्लांट्स बेच दें, एयरपोर्ट्स आउटसोर्स कर दें, बर्थ सेट पोर्ट आउटसोर्स कर दें। प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा एजेंडा है पाकिस्तान में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैन बी ब्रॉट बाय डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन, सेकंड प्राइस ऑफरिंग्स, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब असल एजेंडा प्राइवेटाइजेशन का जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट दे सकता है, बड़ी कंटिन्यूस दे सकता है और एफिशिएंसी भी ला सकता है। तो मैंने चार चीजें आपके सामने रखी हैं, अब इन चार चीजों पे आपने काम करना है। ये क्यों काम करना है फवाद, मेरी आपकी गुफ्तगू जब भी हुई है मैंने आपको हमेशा कहा पाकिस्तान इन द शॉर्ट रन नीड्स डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको सहारा देते हैं, $8.5 अरब के करीब आपके रिजर्व्स को बिल्ड करते हैं। फिर लोग कहते हैं कि अच्छा चले ठीक है, अब ये डिफॉल्ट का रिस्क खत्म हो गया, सो लेट्स गो एंड सी के आर देयर एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। बट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में दो चीजें जो हैं इसमें मिसिंग हैं, ये चारों बातें जो मैंने आपसे कही हैं वो क्या हैं। फर्स्ट ये है कि हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि एक डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर भी है, एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी है, मतलब उसको उसके बारे में भी सोचें। मतलब फिगर दे देता हूं आपको, पता है क्योंकि मैं तो तहकीक पे बेस्ड गुफ्तगु करता हूं, मेरी कोई गुफ्तगु भी तहकीक के अलावा नहीं होती। 52 लाख SMEs हैं पाकिस्तान में, ये फिगर नोट कर लें, कितना 52 लाख, ठीक है। आपने उन तक पहुंचना है, पहुंचिए, मतलब उन तक कब पहुंचना है हमने, ये तो ठीक है कि मैं सऊदी अरेबिया से लाना चाहता हूं पैसे, ये भी ठीक है कि मैं CPEC 2 लाना चाहता हूं। इन 52 लाख में से सिर्फ 1.5-2 लाख ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है, इज दैट अ स्टोरी। अब जरा एग्जैक्ट नंबर नोट कर लीजिएगा, 1,57,126, यानी कि 1,57,052 लाख में से सिर्फ SME बोरोअर्स हैं पाकिस्तान में। बिजनेस ने पनपना कैसे है पाकिस्तान में, जरा सोचे ना कि हम कर क्या रहे हैं। सो एक ये मिसिंग है। दूसरी चीज बड़ी क्लियर है यार, देखें, आई हैव ऑलवेज सेड, अब आपने अगर यहां से 6 महीने और 5 साल संभालने हैं ना पाकिस्तान के, तो लेट मी टेल यू समथिंग, आपने पाकिस्तान के ये प्रोग्राम चलाना है IMF का, अगला प्रोग्राम करना है, स्ट्रक्चरल काम करना है, डेट पे काम करना है, IPPs की रीप्रोफाइलिंग करनी है। जरा ये सोचे कि पिछला प्रोग्राम इनकम्प्लीट क्यों था, इस पर थोड़ा सा गौर तो करें ना।
चले छोड़ दें, ग्लोबल चीजें तो आपके अगेंस्ट थी, मान लिया थी, फिर ये जाके देखें कि 13-16 का प्रोग्राम क्यों कंप्लीट होता है। पाकिस्तान में अगर ये सारे काम करने हैं बहुत अच्छी बात है, एस्टैब्लिशमेंट कोऑर्डिनेशन कर रही है बहुत अच्छी बात है, फैटफ में भी उन्होंने किया है, उन्होंने ये कोविड के टाइम पे भी किया है, बहुत अच्छी बात है। असल बात यह है कि ये सारे काम मानते हैं प्रोफेशनल इनपुट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। बिल्कुल लास्ट ठीक कह बात रहे यह हैं कि आप। क्यों, इसलिए कि चीजें इस पर बहुत कॉम्प्लेक्स हैं पाकिस्तान में, ये आसानी से हल नहीं हो जानी। एग्रीकल्चर यील्ड्स जो हैं वो एक तिहाई हैं ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। आखिरी फिगर देता चला जाऊं, पाकिस्तान में आप कहते हैं चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, मैं भी कहता हूं कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। चाइना ने कहीं बाहर जाके अपनी एग्रीकल्चर को ठीक किया था? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है। उनकी कॉटन प्रोडक्शन की जो यील्ड है ना वो 4 टाइम्स है पाकिस्तान इस पर। बिल्कुल ठीक तो है, अब आपने इतना काम करना है पाकिस्तान में, सो दिस इज ऑल हार्ड वर्क। सो अब बिल्कुल ठीक है नॉन डॉक्टर डेट साहब, बिल्कुल पेडिंग ठीक है डॉक्टर साहब, टूल्स, लेकिन एक रोड मैप कम से कम बन गया है। इसका मतलब यह है कि चीज़ें ठीक तरीके से जा रही हैं। कुछ आपकी हमारी बातें सुन लें, हम आपसे पूछ लें, आप बता दें, डॉक्टर साहब बता दें, और इस तरीके से चीज़ें आगे की तरफ जाएं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। दो बयानात ऐसे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कि जिसके बाद एहसास होता है कि शायद अहले सियासत को ये एहसास हुआ है, ये मामला समझ में आया है कि पाकिस्तान को मीसाक-ए- मईशत की तरफ जाना चाहिए, मईशत के लिए एक तवील अरसे के लिए एक तवील मुद्दती रोड मैप बनाना चाहिए कि जिसके अंदर जाहिर है कि स्टॉप्स आते जाएंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्योंकि महसूस ही होता है कि अब शायद पाकिस्तान को दुनिया कर्ज देने के लिए उस तरीके से वेलकम नहीं कह रही है जैसे आज से कुछ अर्सा पहले था। दो बयान जिनका मैंने तस्करा किया, वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि मिन्नते तरले करके कर्ज लिया और नहीं कर सकते। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की माशी हालत कर्ज नहीं सरमायाकारी से ठीक होगी। तो इन दो बयान को अगर समझ लें या उसके ऊपर अमल कर लें तो मामला फिर आसान होता जाएगा। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली हसनैन साहब। जाहिर है कि जिस वक्त मामला पॉलिसी साजी का होगा तो फिर हमें एकेडमिया को भी साथ लेना पड़ेगा, वही लोग बताएंगे कि पॉलिसी आखिर बनेगी कैसे, रोड मैप आखिर होगा क्या, इसकी एग्जीक्यूशन होगी कैसे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, लंप से डॉक्टर साहब का ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, पीएम साहब के अगर इन दो बयानात को हम पॉजिटिव लें और ये सोचें कि शायद पाकिस्तान की रियासत ने डिसाइड कर लिया है कि हमने 5, 10, 15, 20 साल का एक माशी प्लान बनाना है कि जिसमें जाहिर है कि 5 साल, 10 साल के अहदाफ होते जाएंगे, तो पीएम साहब के सिर्फ अगर इसी बयान को हम लें कि जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की माशियलत कर्ज नहीं सरमायाकारी से ठीक होगी, तो आपको लगता है कि मामलात ठीक सिफ्ट में जाने, कम से कम समझ आने की हद तक? देखिए ये बहुत वैसे स्टेटमेंट तो अच्छी है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट में ज़्यादा वज़न होता अगर पिछले कुछ अरसे के अंदर हमने ऑन ग्राउंड कोई ऐसे रिफॉर्म्स देखना शुरू किए होते, या कम से कम अगर रिफॉर्म नहीं भी तो कम से कम एक गुफ्तगू जो है वो एक प्लान को अब तक हमें तश्कील देना शुरू कर देना चाहिए था। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक मेरा तज्ज़िया है, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हमने बहुत सही तरह रिफॉर्म की तरफ अपना कदम भी बढ़ाया हो। आईएमएफ ने जो अभी आपको कर्ज़ा दिया उसके अंदर उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा है कि ये सिर्फ आपको इतनी मोहलत देने के लिए कर्ज़ा है 9 महीने का कि आप उन इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स को स्टार्ट करें जिसकी ज़रूरत आज से नहीं बल्कि पिछले 20-30 साल से माहिरीन अपनी किताबों में लिखते आए हैं। तो ये देखना है कि अब इसकी तरफ ये संजीदा होते हैं कि नहीं, ये डॉक्टर वक्त साहब वो बताएगा। कौन सी रिफॉर्म्स हैं, मतलब अगर दो चार चीज़ों का तस्करा करें, क्योंकि मुझे तो ये रिफॉर्म्स नहीं लगती कि आप ज़बरदस्ती जो है वो तनख्वाहदार तबके से, जिससे मेरा और आपका दोनों का ताल्लुक है, आप हमारा सैलरी स्लैब जो है वो उसको इतने बड़े टैक्स नेट के अंदर लेके आ जाए कि हमारी जान निकल जाए, हमारी तनख्वाह पहले से भी कम हो जाए। देखिए सबसे अर्जेंट जो है ना, जो सबसे आपने हर हाल में सबसे पहले जो इस्लाहात करनी है वो एक्सटर्नल सेक्टर की हैं, यानी कि आपकी डॉलर में जो इकोनॉमी का हिस्सा है उसको अगर आप इसको मोटे मोटे नंबर्स में देखें तो हमारी इंपोर्ट साल की तकरीबन 80 बिलियन डॉलर है। ये जहन में रखिए कि हमारी मईशत का जो साइज़ है इसके मुकाबले में ये कोई बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स नहीं है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इकोनॉमी के साइज़ के मुकाबले में बिल्कुल ही ना होने के बराबर आप समझ लें। 30 बिलियन की तकरीबन हम एक्सपोर्ट करते हैं और 30 बिलियन की हमारी रिमिटेंसेज होती हैं। तो हमारे पास एक जो हम आमदन आ रही है डॉलर्स की वो 60 बिलियन की आ रही है और जो हम खर्च कर रहे हैं वो 80 बिलियन का आ रहे हैं। तो जो बाकी का होता है आप वो मुख्तलिफ अपने जो आपके पास टूल्स हैं उससे आप वक्ती तौर पर कोशिश करके उसको फिल करते हैं गैप को। उसके अंदर कुछ आप अपनी इंपोर्ट्स रोकते हैं, कुछ जो है वो आप मज़ीद कर्ज़े लेकर उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो
तो जब तक हम इस बुनियादी इशू की तरफ नहीं आएंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी कम क्यों हैं, तब तक इकोनॉमी का बढ़ना जो इमीडिएट तौर पर जो बढ़ना है वो मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ हमारी कई ऐसी असलाहत की जरूरत। जी जी जी, जी मुकम्मल कीजिएगा, मुकम्मल कीजिएगा। जी मैं कह था, साथ ही साथ कई ऐसी असलाहत आपने करनी है जिनका ताल्लुक आपकी इमीडिएट डॉलर अर्निंग कैपेसिटी से नहीं है, लेकिन उसका पाकिस्तान की माशी तरक्की और पाकिस्तान की जो ग्रोथ है उससे ताल्लुक है, जिसके अंदर आप जिस तरफ रुख करें आपको कहीं ना कोई ऐसा इशू नज़र आता है जिसके अंदर असलाहत आती है। उसमें सबसे पहले मेरे नज़दीक टैक्सेशन है, आपने भी उसका जिक्र किया कि जब टैक्सेशन आप ठीक नहीं करते तो उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट ग्रोथ पर होता है, और दूसरी जो कि IMF ने ख़ास तौर पर जिसका जिक्र किया और जो हमारे एक क्राइसिस का जिसको अक्यूट मेडिकल जबान में अक्यूट यानी सबसे पहले का और सबसे प्रेसिंग जो आपका इशू है वो आपका एनर्जी सेक्टर है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जहाँ से आपने शुरू करना है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की एजुकेशन के नंबर्स देखें, चाहे आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी के नंबर्स देखें और मुख्तलिफ जिस तरफ भी आप आंख उठा के देखते हैं, तो जो आपको मसाइल नज़र आते हैं वो जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है उसकी अक्कासी जो है वो माशी नंबर्स में भी होगी। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में जितनी भी हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं जिनको हम बड़े फख्र से पेश करते हैं, वो सारी की सारी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हुई, पाकिस्तान में असेंबल ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को देख लें, बाहर से किटें मंगवाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, भेज देंगे। तो क्या पाकिस्तान इस तरीके से चल पाएगा कि हम डॉलर्स में चीज़ें मंगवाएं और उसके बाद उसको जो है वो यहाँ वैल्यू एडिशन करके भेज दें, या पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना होगा? अच्छा, इसके अंदर ना आप दो डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको हमने सेपरेट करके सोचना है। पहला तो ये है कि अगर आप बाहर से कोई रॉ मटेरियल मंगवा के उसके ऊपर कुछ काम करके फिर से एक्सपोर्ट कर देते हैं तो ये तो पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, इसको ग्लोबल वैल्यू चेन का नाम दिया जाता है। आप उसके अंदर जितना ज़ाहिर है काम जितनी सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता अपनी बनाएंगे वो अच्छा है, लेकिन एज लॉन्ग एज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो ये एक अच्छाई की तरफ आप चल रहे हैं, और ये एक सेक्टर, इस सेक्टर को सपोर्ट करना, सपोर्ट से ज़्यादा एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना ज़रूरी है। ठीक। दूसरी तरफ ये है कि जो आप कहते हैं कि हमने हर चीज़ पाकिस्तान में करनी है, ये इसको इकोनॉमिक्स का जो पहला कायदा हम पढ़ाते हैं कॉलेज में उसमें हम उसको ऑटार्की का नाम देते हैं, यानी कि अगर आप बिल्कुल एक जजीरा बन जाएं जिसका कोई ताल्लुक ना रहे बाकी दुनिया से तो आपकी मईशत जो है वो सुकड़ती है। और हमने हमारे मुल्क में जो हमने ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं इम्पोर्ट पर वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुल्क हैं सर फहरिस्त जो मुल्क हैं ड्यूटीज़ में उनमें से हमारा शुमार होता है। इससे नुकसान ये होता है कि आपका जो सनतकार है, आपका जो इन्वेस्टर है, वो जब देखता है कि मैं एक्सपोर्ट के लिए अपनी फैक्ट्री लगाऊं या इंपोर्ट करके और अगर हुकूमत मुझे डोमेस्टिक मार्केट में प्रोटेक्ट कर दे इंपोर्ट से, यानी जिस तरह सबसे बड़ी इसकी मिसाल गाड़ियों की इंडस्ट्री की है कि आपने बाहर से एक्सपोर्ट बंद कर दी, अब आपने मस्नूई तौर पर जो यहाँ असेंबलर है उसको एक मार्केट दे दी, अब वही इन्वेस्टर अगर बजाय गाड़ियाँ असेंबल करने के अगर ऐसी इंडस्ट्रीज में जाता जहाँ पाकिस्तान की सलाहियत बनने में ज़्यादा रियलिस्टिक चांस है, कह लें अगले 10-15-20 साल में, तो हम बेहतर रहते हैं। आपको मैं ये मिसाल देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसने अपनी कार इंडस्ट्री को रैप अप कर लिया कि हम इतनी एडवांस्ड इकोनॉमी नहीं है कि हम गाड़ियाँ बनाएं। अच्छा, लेकिन हम पिछले 40 साल से गाड़ियाँ पाकिस्तान में असेंबल कर रहे हैं जिसका हमारी एक्सपोर्ट्स पर ओवरऑल पिक्चर पे मेरे जो कह लें तजिए में इसका नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। सो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक हम चला रहे हैं पिछले 40 साल से 50 साल से तकरीबन, आप चाहे ट्रैक्टर्स को देख लें, चाहे गाड़ियां देख लें, चाहे आपका फ्रिज एसी, ये सब चीज़ें हम बाहर से किटें मंगवा के असेंबल करते हैं। जब आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर आपके दो एक असूल हैं कि हमने किसी इंडस्ट्री को किस तरह ट्रीट करना है, उसके अंदर पहला ये है कि जब एक इंडस्ट्री को आप एक सर्टन टाइम फ्रेम देते हैं कि इसके अंदर आप डोमेस्टिक मार्केट में आप ही खेलेंगे और कोई नहीं आएगा, बाहर से इम्पोर्ट नहीं आएगी, लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद जो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं मस्नूई तौर पर वो हम ख़त्म कर देंगे, तो पहला टेस्ट ये है कि क्या आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। आज से 40-45 साल पहले गाड़ी की जब इंडस्ट्री लगाई गई थी तो ये इस सोच से लगाई गई थी कि कुछ साल में ये एक्सपोर्ट शुरू करेगा। मैं अभी कुछ पिछले महीने में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक अखबार में एक आर्टिकल देख रहा था बिजनेस रिकॉर्डर का 1989 का। अच्छा। तो वो गई थी सुजुकी की पोर्ट कासिम की फैक्ट्री पर
और वहाँ जो सुजुकी के एग्जेक्टिव्स थे उन्होंने ये दावा किया था कि बस कुछ ही साल के अंदर एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। जब वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, चाहे उसकी जो भी वजूहत थी, तो क्या हमने एक नजर सानी डाली कि नहीं डाली अपनी पॉलिसी के ऊपर? और जाहिर है अगर डाली भी तो हमने ये फैसला किया कि जो हम कर रहे हैं, जो एक फेलिंग स्ट्रैटेजी हमने अपनाई हुई है, वो ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो एक तो ये चीज़ है कि आप सिंपल टेस्ट ये है कि अगर आप एक पॉलिसी नहीं आपको आपके लिए काम कर सकी तो आप कुछ और ट्राई करके रिव्यू कर लें। बिल्कुल ठीक। दूसरा जो दूसरी जो पॉलिसी है वो ये जी, आप कुछ कहेंगे? मैं डॉक्टर साहब ये कहता कि रिव्यू कर लें। डॉक्टर साहब इसमें मुझे एक एक मैं अख्ताम की तरफ जा रहा हूँ, आखिरी 2-3 मिनट हैं। हमें क्या टैक्स स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की और इधर आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के ऊपर ड्यूटीज बहुत हैं, अगर वो कोई काम आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहें तो उसके ऊपर टैक्सेशन के एक पूरे सिस्टम का उन्हें सामना करना पड़ता है, तो क्या हमें टैक्स फ्री कह लें, टैक्स फ्रेंडली बनाना पड़ेगा? टैक्स फ्री तो ज़ाहिर नहीं हो सकता, टैक्स फ्रेंडली बनाना पड़ेगा अपने पूरे ग्रोथ के सेक्टर को। देखें 100%, लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना वो ये है कि आप टैक्स हर किसी से एक सतह का ले रहे हो, उसके अंदर कुछ छोटी मोटी आप चेंजेस कर लें वो एक अलग बात है, लेकिन एक मईशत के अंदर टैक्स जो है वो जो जितना कमा रहा है उसके हिसाब से होना चाहिए, ना कि ये कि किस तरह कमाया जा रहा है। और वो जो हम अक्सर आप हर ही रोज़ आप अखबार में पढ़ते होंगे टैक्स रेट जो है बढ़ाने की, IMF भी बहुत अरसे से कह रहे हैं, जितना आप टैक्स जो है वो एक सतह पे लेते हैं उससे क्या होता है कि जो सनतकार है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी इंडिविजुअल भी जो है, वो अपने माशी फैसले जो है वो मेरिट पे कर रहा होता है कि कहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है कहाँ लॉस कम है। जब आप उसके अंदर टैक्स को डाल के और उसके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं तो हो सकता है कि वो कोई ऐसा सेक्टर हो कि जिसके अंदर मुनाफा कम हो रहा हो लेकिन टैक्स भी कम हो, और बजाय इसके कि जो ज्यादा मुनाफे वाले इंडस्ट्रीज की तरफ हमें जाना चाहिए उनको छोड़ के हम इस तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह आपने जिक्र किया पहले कि सैलरीड क्लास जो है वो टैक्स होती है, नॉन सैलरीड फाइल नहीं करती और उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो उससे क्या होता है कि आपका फॉर्मल सेक्टर जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाता है और उसके और 10 मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ी इसकी मैथ या इसकी जो थ्योरी है वो बड़ी सिंपल है, लेकिन हमारे पास एक सियासी बायन नहीं है और ना उसके ऊपर हमारे सियासतदानों ने जद्दोजहद की पिछले 40-50 साल से और आज तक, कि हम अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट लेकर अपने टैक्स रेट को ठीक करें। बिल्कुल, तो जाहिर है जब तक नहीं करेंगे तब तक मईशत ठीक नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जब तक जो है वो ऐसे फैसले नहीं करेंगे कि जिसके ऊपर सियासी रद्दमल तो आए लेकिन मुल्क की बेहतरी का सबब बने, उस वक्त तक तरक्की नहीं हो सकती, मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। इसी तरीके से कर्जे लेते रहेंगे, इसी तरीके से रोते रहेंगे, इसी तरीके से डिफॉल्ट की तलवार सर पे लटकती रहेगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।